हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आज के वीडियो में। तो आज का वीडियो जो है ये रिगार्डिंग है पिछले वीडियो में जो आए कमेंट्स है। तो पिछले वीडियो में काफ़ी सारे कमेंट्स थे कि परफॉर्मेंस लेस है, एक्सपेक्टेड है, उससे कम है। तो कुछ चीज़ें मैं क्लियर करना चाहता हूँ ये वीडियो में। तो जो भी पूरा जो जो आप कह सकते हो झोल हुआ है, वो झोल इसीलिए हुआ बिकॉज जो लोगों ने सब कुछ ध्यान में रख दिया, बट लोगों ने जो चीज़ मिस कर दी वो है ये जो लैपटॉप है, इसका जो स्क्रीन है बेसिकली ये है QHD स्क्रीन। एक्चुअली मैं अभी वीडियो भी इसी लैपटॉप से बना रहा हूँ, तो बेसिकली आपको दिखा दूँ मैं QHD। तो ये जो रेजोल्यूशन है ये QHD रेजोल्यूशन है। तो अगर लोगों को ना भी समझे तो भी मैं एक चीज़ बता दूँ, बेसिक चीज़ क्या है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि QHD और FHD में डिफरेंस क्या है। तो ये जो रेजोल्यूशन है ये डिफ़ॉल्ट रेजोल्यूशन है, और गेम्स में भी लैपटॉप यही रेजोल्यूशन पे चलता है। और जो पिछला वीडियो था उसी में भी यही रेजोल्यूशन के साथ में जो है, जो मैंने गेम्स टेस्ट किए, तो ऑब्वियसली उसके जो FPS है जो कम आने थे, जो काफ़ी सारा बखेड़ा खड़ा हो गया। फिर भी मैंने पिन कर दिया था कमेंट, बट स्टिल मैंने सोचा क्लियरिटी हो जाए करके मैं पोस्ट कर रहा हूँ ये वीडियो। तो यहाँ पे आप देख सकते हो दोनों का डिफरेंस बेसिकली, और मैं वीडियो में कुछ गेम प्लेस भी दिखाऊंगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो प्रेडिटर है, ये जो फिलहाल वाला जो नया वर्जन है, इसका जो डिस्प्ले है ये QHD डिस्प्ले है। लोग अभी समझे ना समझे पता नहीं, ये पूरा जो इशू है उसी की वजह से है। तो ये जो चीज़ है आपको ध्यान में रखनी है। और यहाँ पे अगर नया लैपटॉप आप परचेज कर रहे हो तो यहाँ पे आपको QHD का स्टिकर भी लगा के मिलेगा। यहाँ पे फ्रंट पे जो है QHD का स्टिकर उन्होंने दिया हुआ है। यहाँ पे इन्होंने मेंशन भी किया था, मैं आपको दिखा दूँ वो भी चीज़ मैं दिखाना चाहता हूँ बेसिकली। प्रेडेटर सेंस डिस्प्ले की बात कर रहा हूँ मैं बेसिकली। यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो डिस्प्ले है ये QHD डिस्प्ले है यहाँ पे, ठीक है। और यही जो है हेलियोस पिछले वाला, इसमें भी हम लोग सर्च कर रहे थे, ये 2021 का ही वर्जन है, बस ये 10th जेन है, और इसके जो रिफ्रेश रेट है वो 145 हर्ट्स है। तो यहाँ पे भी हम लोग सर्च कर लेंगे एक बार, देख लीजिए ये जो डिस्प्ले है ये FHD डिस्प्ले है, ठीक है। और जो नया वाला वर्जन है वो QHD है। तो ये ही मेन डिफरेंस है ये जो दोनों चीज़ों में। तो यही था, अभी बढ़ते कि गेम में FPS में कितने डिफरेंस है सारे। तो मैंने ये चीज़ के लिए दो जो है गेम चुने हुए, एक साइबर पंक और असासिन्स क्रीड वाला। और उसमें भी मैंने एक दो चीज़ें जो है डिस्क्राइब की हुए कि वहाँ पे भी लोग जो है बोलेंगे कम FPS है, ज़्यादा FPS है, यहाँ पे कम क्यों है, यहाँ पे ज़्यादा क्यों है। तो वो भी क्लेरिफिकेशन के लिए मैंने एक बहुत जो है सिंपल सा मैंने एक पार्ट रखा हुआ है कि वहाँ पे आप समझ जाओगे कि FPS जो है कभी कभी ज़्यादा और कम भी मिलते हैं गेम में, पूरे गेम में वैरी होते हैं। तो ये चीज़ भी आपको ध्यान में रखनी है। और ये भी चीज़ ध्यान में रखनी है कि जो भी मैं गेम प्ले कर रहा हूँ वो मैंने रिकॉर्ड भी किया हुआ है, तो ऑब्वियसली आपके जो 4-5 FPS तो कहीं भी नहीं गए, कम से कम 4-5 FPS की मैं बात कर रहा हूँ। तो चलिए जो स्टार्ट करते वीडियो और दिखाता हूँ मैं आपको कि गेम प्ले में क्या क्या डिफरेंसेज आ रहे हैं। यहाँ पे जो है मैं साइबर पंक जो खेलूँगा अभी जो है अल्ट्रा से अल्ट्रा यानी कि अल्ट्रा सेटिंग करके, और रेजोल्यूशन जो है मेरा मैं 2K ही रखने वाला हूँ यहाँ पे, दैट इज़ QHD। तो यहाँ पे देखते हैं FPS। और ये बात ध्यान में रखना कि ये मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो यहाँ पे 7 से 10 फ्रेम्स ईजिली जो है कम ज़्यादा होंगे। तो इसीलिए मैंने जो है नीचे मेंशन भी किया हुआ है सेम चीज़ हर वीडियो क्लिप के साथ में। तो यही था साइबर पंक QHD अल्ट्रा। अभी हम देख रहे हैं साइबर पंक जो है अल्ट्रा सेटिंग में ही रखेंगे, और हम लोग जो है रेजोल्यूशन चेंज कर देंगे यानी कि FHD करेंगे, दैट इज़ 1920x1080। तो यहाँ पे देखते हैं डिफरेंस फ्रेम रेट्स का, एवरेज फ्रेम रेट्स कितने मिल रहे हैं यहाँ पे आपको, 50 से 57 जो है आपको ईजिली मिल जाएंगे फ्रेम्स पर सेकेंड। तो यही काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस गिर जाता है। यही मैं आपको बता रहा था कि FHD और QHD में क्या डिफरेंस है और क्यों फ़र्क गिर रहा है लैपटॉप के परफॉर्मेंस में। तो ये लोग समझ नहीं रहते, और जो कमेंट में काफ़ी लोगों ने सेम ही कमेंट किया था, क्वेश्चन भी किया था। थर्मस भी आप देख सकते हो स्टेबल है। ये मैंने देखा है कि यहाँ पे जो साइबर पंक है मैक्स टू मैक्स ये 81 या 82 तक ही जाता है, उसके ऊपर नहीं जाता, ये साइबर पंक में ही जाता है।
और असासिन्स क्रीड भी देखोगे तो उसमें भी आपको ये 80 के ऊपर तो कभी जाएगा नहीं। यहाँ पे जो है मैं DLSS सेटिंग ऑन कर रहा हूँ FHD के लिए अल्ट्रा सेटिंग्स के पे, तो देखते हैं कि परफॉर्मेंस कितना मिलता है। और FPS तो इजीली बढ़ जाते हैं, लो लाइक 10 to 15 FPS तो इजीली बढ़ जाते हैं। और एक चीज़ यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा, जब भी आप रे ट्रेसिंग ऑन कर रहे हो ऊपर, तो सिस्टम जो है ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट जो है DLSS को ऑटो पे रख देता है। तो यही चीज़ मैं आपको बताना चाहता, नहीं तो बहुत सारे दिमाग लगाने वाले लोग हैं जो बोलेंगे कि नहीं नहीं भाई आपने खुद से जो है ऑन किया है उसे, तो वही मैं दिखा रहा हूँ यहाँ पे। और ट्राई मत करना ऑफ करके, क्योंकि मैंने किया हुआ है और ईजिली जो है आपके 10 से 15 मैक्स टू मैक्स FPS तक गिर जाएंगे और नहीं खेल पाओगे आप। लिटरली बोल रहा हूँ मैं, आप नहीं खेल पाओगे, स्पेशली UHD में, सॉरी जो QHD में आप नहीं खेल पाओगे, इतना घटिया परफॉर्मेंस है। तो वो चीज़ें आप ध्यान में रखना, तो उसे ऑफ नहीं करना, उसे ऑटो पे रखना है बेसिकली। यहाँ पे जो है हम लोग देखेंगे अभी FHD में रे ट्रेसिंग अल्ट्रा करेंगे, तो FPS देख लेंगे कितने आ रहे, तो ये आप देख सकते हो। और जो है थर्मल्स भी आप ऑब्जर्व कर सकते हो, ये किस में शायद से मैक्स टू मैक्स जो है 83 के आसपास गया है पूरे गेम में, तो वही देख सकते हो आप। यहाँ पे जो है सेटिंग हम लोग QHD में रख के अल्ट्रा पे रखेंगे, तो ग्राफिक्स में जो है आपको फ्रेम्स मिल रहे हैं 23 से लेकर 34 के आसपास, और यही जो फ्रेम रेट्स बढ़ जाएंगे जब हम लोग इसे रे ट्रेसिंग मीडियम पे रखेंगे QHD।
यहाँ पे हम लोग जो है QHD पे रखेंगे और रे ट्रेसिंग को मीडियम लेवल पे रखेंगे। 33 to 43 के FPS आ रहे हैं आपको ईजी। अभी हम लोग मूव ऑन करेंगे असासिन्स क्रीड वाला पे। पिछले गेम में, पिछले वीडियो में मैंने असासिन्स क्रीड खेला था तो काफ़ी लोगों ने कमेंट किए थे। तो FHD में आपको 70 से 90 जो है ईजिली जो है आपको मिल जाएंगे FPS। जो आपकी सेटिंग्स है आपको रखनी है बेसिकली वेरी हाई पे। तो मैं ये मिनिमम जो FPS बोल रहा हूँ ये आपको ध्यान में रखना है पूरे वीडियो में, तो वरना लोग आ जाएंगे कि भाई कि आप किसी किसी को ज़्यादा भी मिल रहे हैं। तो ये गेम काफ़ी आप कह सकते हो कि काफ़ी डिफरेंट है, बिकॉज़ यहाँ पे काफ़ी सारी सीनरीज है और हर चीज़ में डिटेल्स वगैरह लेने के लिए FP जो है आपके जो GPU पे है लोड गिर जाता है इजीली। और ये चीज़ मैंने नेक्स्ट एक क्लिप में समझाई है तो काफ़ी इजीली आप समझ जाओगे वहाँ पे, तो वो भी एक बार देख लेते हैं। तो यहाँ पे आप FPS देख सकते हो। तो ये कोई कोई सीन जब आप गेम खेलते हो तो स्टार्टिंग में एक क्लिफ पे अब जब आप जाते हो बर्ड आई व्यू के लिए, तो वहाँ पे आपको इजीली जो है 100 या 105 FPS तक भी आता है। तो ये मैंने आपको जो मिनिमम रेंज बताया हुआ, एवरेज एज रेंज सॉरी जो है बताया हुआ है। तो यहाँ पे अभी जो है मूव ऑन करते हैं कि मैं आपको बताऊँ कि ये जो GPU है किस तरीके से FPS जो है बढ़ते और घटते हैं। यहाँ पे मैं जा रहा हूँ एक एंगल पे, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि काफ़ी सारे चीज़ें हैं सामने। तो 70 से 74 तक आ रहा है। अभी मैं यही थोड़ा थोड़ा ऊपर मूव करूँ तो आप देख सकते हो FPS कहाँ तक जा रहे हैं, 90 तक ईजिली जा रहे हैं। फिर भी बादल है करके फिर भी 90 तक जा रहे, और थोड़ी सी प्लेन साइड हो, क्लियर क्लियर स्काई जैसे कुछ सीनरी हो तो यहाँ पे देखिए 93 तक चले गए। तो ये मैं आपको समझा रहा था कि FP जो GPU है आपका इस तरीके से काम करता है कि ऑब्जेक्ट फिर डिटेल्स, जितने ज़्यादा ऑब्जेक्ट उतने ज़्यादा डिटेल्स। इसीलिए साइबरपंक में भी जो FPS आपको कम मिलते हैं क्योंकि काफ़ी सारे जो है बिल्डिंग्स एंड ऑल बाकी जो स्ट्रक्चर्स हैं वो वहाँ पर दिखाए गए। तो यहाँ पर आप देख सकते हो। तो ये कभी कभी तो ये जो है जी जो स्कोर है आप मैं रिकॉर्डिंग के दौरान दिखा रहा हूँ तो ये इजीली आपको बढ़ जाएंगे, वो भी मैंने हर वीडियो के क्लिप के पीछे मैंने बताया हुआ है। अब हम लोग प्ले करेंगे असासिन्स क्रीड अल्ट्रा सेटिंग पे फुल HD में। तो यहाँ पे फुल HD में और स्क्रीन रेजोल्यूशन आप देख सकते हो। तो कोई भी अगर असासिन्स क्रीड में आपको ये भी दिखाया गया कि नेटिव स्क्रीन क्या है, नेटिव की स्क्रीन मीन्स आपकी जो एक्चुअल स्क्रीन की रेजोल्यूशन है वो, इसीलिए जो है FPS कम आ रहे थे लास्ट वीडियो में, यही मैंने बताना चाहा। पिन भी किया हुआ है कमेंट, फिर भी लोग पूछ रहे हैं, फिर भी लोग बोल रहे हैं नहीं परफॉर्म कर रहा है। तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, ईजिली आप ध्यान में रखिए और जो है आपके FPS बढ़ जाएंगे। बट मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप 2K पे ही खेलिए, थोड़े FPS कम मिलेंगे पर जो मज़ा आएगा भाई काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा। साइबरपंक में आपको रे ट्रेसिंग मीडियम पे रख के खेलोगे तो डिटेल्स के साथ साथ आपको स्क्रीन पे जो रेजोल्यूशन है उसका जो है इफेक्ट आपको ईजिली समझ में आ जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हो कि और जो है डिटेलिंग भी काफ़ी अच्छे से दिख रही है FHD में भी, पर QHD में काफ़ी अलग ही एक्सपीरियंस है, आप फील करोगे जब लैपटॉप आपके सामने होगा। तो
और लास्ट बट नॉट द लीस्ट जो लास्ट वीडियो में हुआ था 53 से 63 से जो है आपके RAFPS QHD में, तो यही जो है आपको देखना है। तो यही मैंने समझाने की ट्राई की थी, लोग समझ नहीं पा रहे थे तो इसीलिए ये वीडियो बनाना पड़ा। और मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप अगर 2K पे गेमिंग कर सकते हो तो 2K पे ही कीजिए, भले आपको जो असैसिन्स क्रीड में आपको अल्ट्रा अल्ट्रा पे ना रखना हो, अल्ट्रा पे भी रखोगे तो आपको FPS कुछ जो है खेल पाओगे, आपको कोई भी लैगिनेस नहीं नज़र आएगा। और जो आप साइबर पंक अगर खेलोगे 2K पे तो रे ट्रेसिंग जो है मीडियम रख के खेलिएगा, हाई में थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, गेम थोड़ा सा जो है लैगी, एकदम हल्का सा जो है लैगी सा फील होता है, हेवी हेवी से कंट्रोल्स फील होते हैं, बेसिकली थोड़ा सा डिले जैसे आपको पता चलेगा, जैसे कि गाड़ी जो है तुरंत गाड़ी या फिर व्हीकल जो अगर आप चला रहे हो तो आपको जो मूवमेंट इजीली नहीं समझेगा। तो वही था, और यही था आज के वीडियो में। वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट भी कीजिए आपके कुछ क्वेश्चन है तो। और भाई लाइक ज़रूर देना, काफ़ी मेहनत लगी है वीडियो बनाने में। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस।